नमस्कार, आज करेंगे भक्तिन संस्मरण है और महादेवी वर्मा जी ने इसे लिखा है। भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखाचित्र है जो स्मृति की रेखाएं नामक पुस्तक में संकलित किया गया है। इसे इन्होंने लिखा था किसी व्यक्ति की याद में, यानी एक लक्ष्मी यहाँ पर चरित्र है जिसकी याद में यह संस्मरण लिखा गया था। लेखिका ने अपनी सेविका के अतीत और वर्तमान का परिचय दिया है इस संस्मरण में और उसके व्यक्तित्व का मनोहारी चित्रण किया है। तो आज इस पाठ का सार कर रहे हैं, भक्तिन का स्वरूप क्या है, कैसा है। पहले सबसे पहले ये बात करेंगे, वह छोटे कद की दुबले शरीर वाली स्त्री है। उसके अधर पतले थे, आंखें छोटी और गले में कंठी माला पहनती थी। उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, किंतु उसने अपनी स्वामिनी से प्रार्थना की थी कि उसके नाम का प्रयोग ना किया जाए, इसलिए उसकी कंठी माला को देख करके लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। वह अहीर कुल में पैदा हुई थी और सेवा भाव उसमें इतना था जितना कि हनुमान जी में भी होगा। सबसे पहले बात करते हैं उसके जीवन के पहले हिस्से की। ऐतिहासिक झूंसी गांव में अहीर परिवार की इकलौती बेटी थी भक्तिन लक्ष्मी, जिसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया था। 5 वर्ष की उम्र में इस कन्या का विवाह हंडिया ग्राम के एक गोपालक के छोटे पुत्र के साथ हो गया था। 9 वर्ष की उम्र में इनका गौना हो गया था। भक्तिन की विमाता यानी सौतेली माता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। उनकी सास ने रोने धोने के अपशकुन के कारण डर से यह कहकर पीहर भेज दिया कि बहुत दिनों से आप गई नहीं हो, इसलिए एक बार घर हो आओ। घर पर उनकी विमाता ने उनके साथ कटु व्यवहार किया और वह वहाँ से बिना पानी पिए ही वापस लौट आई। उसने अपने पिता की मृत्यु का दुख पति के सामने प्रकट किया। उनके जीवन का दूसरा भाग जो है, जीवन के इस भाग में भी भक्तिन को सुख नहीं मिला। जब उसकी लगातार 3 लड़कियाँ पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी प्रारंभ कर दी। सास के 3 कमाऊ बेटे थे, जेठानियों के पुत्र ही थे, कहते हैं जेठानियाँ मौज करती थी। उनके लड़के खेलते कूदते, जबकि घर का सारा काम चक्की चलाना, कूटना, खाना बनाना आदि भक्तिन करती। उसकी छोटी छोटी लड़कियाँ गोबर उठाती, उपले बनाती, खाने के मामले में भी भेदभाव किया जाता। जिठानियाँ और उनके लड़कों को सफ़ेद राब, दूध और मलाई युक्त भोजन मिलता, किंतु भक्तिन और उसकी लड़कियों को गुड़ की डली और चने बाजरे की घुघरी, जो चने को उबाल करके बनाया जाता है, खाने में वो दिया जाता था। इस परिस्थिति में भी उसके लिए एक अच्छी बात यह थी कि उसका पति परिश्रमी और तेजस्विनी पत्नी को सच्चे मन से प्यार करता था। इस पति प्रेम के आधार ही के कारण भक्ति ने अपना अलग घर कर लिया। उसके परिवार से पृथक होते समय गायें, भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। पति पत्नी दोनों परिश्रम थे, अतः उनके घर में संपन्नता आ गई। पति ने बड़ी लड़की की शादी धूमधाम से की। दोनों छोटी लड़कियां अभी छोटी थी और दुर्भाग्य से भक्तिन विधवा हो गई, यानी उनके पति का देहांत हो गया। इस समय उनकी उम्र मात्र 29 वर्ष की थी, 29 ईयर्स की थी वो। परिवार वालों ने संपत्ति के लालच में भक्तिन के सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखा, किंतु भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने अपने केश कटवा दिए और गुरु से मंत्र लेकर के कंठी पहन ली, दोनों छोटी लड़कियों की शादी कर दी और पति के द्वारा चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बना लिया।
उनके जीवन का तीसरा हिस्सा जो था वो इस प्रकार से है। भक्तिन को अपने पूर्वजों से जो जमीन जायदाद मिली थी वह सब उसके पास थी, किंतु भक्तिन के दुर्भाग्य से बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। यह लड़की अभी बहुत कम उम्र की थी। परिवार वालों की दृष्टि भक्तिन की संपत्ति पर लगातार लगी हुई थी और भक्तिन का जेठ का लड़का अपनी विधवा बहन की शादी अपने तीतरबाज साले से कराने के लिए उत्सुक था। भक्तिन की लड़की ने इस वर को अस्वीकार कर दिया। माँ बेटी दोनों मन लगा करके खेती कर रही थी कि एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से बंद कर लिया और उसके समर्थकों ने गांव वालों को बुला लिया। भक्तिन की बेटी ने वर बनने के इच्छुक तीतरबाज की अच्छी मरम्मत करके कुंडी खोल दी, किंतु तीतरबाज ने कहा कि मैं तो इसके बुलाने पर अंदर गया था। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत भी हुई। भक्तिन की बेटी ने पिटाई का तर्क देकर अपनी सच्चरित्रता प्रकट की, किंतु पंचों ने समस्या का मूल कारण कलियुग को मानते हुए इन दोनों को पति पत्नी के रूप में रहने का आदेश दे दिया। माँ बेटी विवश थी, यह संबंध सुखकर नहीं रहा। घर में इतनी निर्धनता आ गई कि लगान पटाना भी संभव नहीं रहा। जमींदार ने भक्तिन को बुला करके कड़ी धूप में दिन भर के लिए खड़ा कर दिया। भक्तिन इस अपमान को सहन नहीं कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। उसके जीवन का अंतिम परिच्छेद जो है वो अंतिम हिस्सा जो है, घुटे हुई चांद, मैली धोती और गले में कंठी पहने जब भक्तिन लेखिका के पास नौकरी के लिए आई तो उसने बता दिया कि वह रोटी बनाना, दाल भात रांधना, सब्जी छोंकना आदि सारे काम जानते हैं। नौकरी स्वीकार करने के बाद भक्तिन ने प्रातःकाल स्नान किया, लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी, निकलते सूर्य और पीपल को अर्घ्य दिया, 2 मिनट जप किया, चौकी की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूट पाक को मानने वाली थी, अतः लेखिका ने भी समझौता करना ही उचित समझा। वह नाई के उस्त्रे को गंगा जल से धुलवाकर ही अपना मुंडन करवाती थी, यानी वह बड़ी शुद्धता से अपना हर काम करती थी। वह अपना खाना बनाकर ऊपर के आले में रख देती थी। भक्तिन के द्वारा बनाया हुआ भोजन एक ग्रामीण अहीर परिवार के स्तर का होता था, यानी जिस प्रकार से गांव में खाना बनाते हैं वैसा ही भक्तिन बनाती थी। केवल दाल बना दी और मोटी मोटी रोटी सेक कर काली कर दी। लेखिका ने जब इस भोजन को देखा तो भक्तिन ने लाल मिर्च और अमचूर की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रख दिया। घी और गुड़ से लेखिका को अरुचि थी तो उन्होंने इसी दाल से रोटी खा करके विश्वविद्यालय की राह पकड़ ली। अपने गिरते स्वास्थ्य और परिवारजनों की चिंता निवारण के निमित्त ही लेखिका ने अलग भोजन की व्यवस्था की थी, किंतु इस देहाती वृद्धा ने अपनी सरलता से इतना प्रभावित किया कि वे अपनी असुविधाएं ही छुपाने लगी। भक्तिन दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी, किंतु स्वयं बदलने को तैयार नहीं होती थी, यानी हमेशा खुद परिवर्तन नहीं चाहती थी। इसी कारण लेखिका तो देहाती बन गई, किंतु भक्तिन जो की त्यों ग्रामीण ही रही। उसने लेखिका को ग्रामीण खाना पीना सिखा दिया, किंतु स्वयं कभी एक रसगुल्ला भी नहीं खाया, ना ही ओए को बदलकर जी पर आ सकी। वह लेखिका के इधर उधर पड़े पैसे को किसी मटकी में छिपाकर रख देती थी, जिसे वह बुरा काम नहीं मानती थी। उसके अनुसार अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा है संभाल कर रख दिया। वह अपनी मालकिन को प्रसन्न करने के लिए यदि बात को बदल लेती थी तो उसे झूठ नहीं मानती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी।
अतः उसके पास तर्क भी थे। लेखिका जब उसको सिर मुंडाने से रोकती हैं तो उसने तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शस्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी तो नहीं थी और अब हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। इसके पीछे भी उसने तर्क दिया कि उसकी मालकिन दिन भर पढ़ती हैं, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन को इस बात पर गर्व था कि उसकी मालकिन जैसा काम कोई नहीं जानता, क्योंकि उसके कहने पर भी उत्तर पुस्तकों के परीक्षण कार्य में कोई भी मालकिन को सहयोग नहीं कर पाया, किंतु उसने स्वयं सहायता की। कभी उत्तर पुस्तकों को बांधकर, कभी अधूरे चित्रों को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर। जो वह सहायता करती थी उसे अन्य लोगों के मुकाबले में वह बड़ा मानती थी। वह सोचती थी कि दूसरे लोग सहायता नहीं करते हैं। लेखिका की पुस्तक के प्रकाशित होने पर उसे बहुत खुशी होती थी। वह गति में अपना सहयोग देखती थी। लेखिका भी उसके प्रति आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए ना उठकर चित्र बनाने में ही लगी रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय पिलाकर भूख के कष्ट से उसे बचाती थी। जब छात्रावास की रोशनी बुझ चुकी होती, लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी सोना, कुत्ता बंसल और बिल्ली गोधुली भी आराम करने लगते थे, तब भक्तिन मालकी के साथ जागती रहती थी। कभी पुस्तक देकर, कभी शाही लाकर, कभी फाइल देकर वह हमेशा लेखिका को सहयोग करती रहती थी। बहुत रात कहीं सोने पर भी भक्तिन मालकिन से पहले ही उठ जाती थी। वह सोना, बसंत और गोधुली नामक पशुओं को बाहर निकालती थी। भक्तिन लेखिका के भ्रमण में भी उनके साथ रहती थी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, उनके ऊंचे ऊंचे तंग पहाड़ी रास्तों में भी वह उनसे जिद करके उनके आगे चलती थी, किंतु गांव की पगडंडी में पीछे पीछे चलती थी। वह लेखिका के साथ छाया की तरह रहती थी। जब लोग युद्ध के कारण आतंकित थे तब भी वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका को नहीं छोड़ती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी, जहां पर वह लेखिका को सब सुविधाएं देने का आश्वासन दे दी थी। लेखिका के लिए वह अपना सर्वस्व लुटाने को तैयार रहती थी। लेखिका यह मानती थी कि उसके और भक्तिन के बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं है, यानी नौकर और मालिक का संबंध नहीं है। वह इच्छा होने पर भी उसे हटा नहीं सकती और उसके द्वारा चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टाल देती थी। लेखिका उसे सेवक मानती भी नहीं थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। वह उन्हें लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी, यानी जो लेखिका के लिए खाना बनता था वह उसमें से उन्हें भी दे देती थी। लेखिका के परिचितों से भक्तिन का व्यवहार लेखिका के प्रति उनके सम्मान व सद्भाव से निर्धारित होता था। वह परिचितों को आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम से याद रखती थी। कवियों के प्रति उसके मन में कोई आदर नहीं था। वह पर दुख कातर नारी थी। जब किसी विद्यार्थी को जेल जाना पड़ता किसी कारण से, तो उसकी वह खबर सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती थी। वह जेल जाने से बहुत डरती थी, किंतु यदि लेखिका को जेल जाना पड़ा तो वह भी हट करके उनके साथ जेल में जाने को तैयार थी। वह अपनी मालकिन के जेल जाने पर स्वयं के जेल जाने के हक के लिए बड़े लाट तक लड़ाई लड़ने को तैयार थी, यानी जो ऑफिसर होता था उसे लाट कहते हैं, बड़े लाट तक जाने को तैयार हो जाती थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद अभी चालू है, यानी लेखिका के अनुसार उसके अंतिम हिस्से की बात अभी चालू है और लेखिका नहीं चाहती है कि वह इस हिस्से को पूरा कर दे, यानी लेखिका नहीं चाहती है कि उसका जीवन अंतिम क्षणों पर आ जाए। तो इस तरह से इस पाठ में हमने संस्मरण देखा जो भक्तिन के बारे में महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो इससे रिलेटेड यदि आपकी कोई भी
प्रश्न है या आपको इस वीडियो में और कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।